हफ्ते मैं फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट जो मुझे पसंद आए, मेरे लिए काम किए और आई थिंक मैं उनको दोबारा जरूर परचेज करना चाहूंगी। सो यस, आगे मेंशन होने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर मैंने कोई वीडियो कर रखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उसका डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। एंड विद दैट सेड, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो प्रोडक्ट नंबर 1 रहेगा द डर्माकोर 2% अल्फा एबिटन सीरम। और यस, जैसा कि मैंने इसके KYP वीडियो में बोला था कि इस प्रोडक्ट ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। फर्स्ट 4 डेज में इसने मेरे लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था एंड यस, बहुत ही अच्छा डिफरेंस रेस ने मुझे देना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी हेल्दी ग्लोई स्किन हो गई थी मेरी एंड यस, वो अभी भी कंटिन्यूएशन में ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। नो डाउट मैं अभी विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ और उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट यस, इसने जब मेरे लिए काम किया तो बहुत अच्छा किया था एंड मैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। बहुत ज़्यादा मैं अलग नहीं कहूँगी कि है, बट यस, प्रोडक्ट में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करती है। तो यस, ये प्रोडक्ट जो है मैं ज़रूर दोबारा खरीदना चाहूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द मदर स्पर्श प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस क्रीम। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया। रीज़न नंबर 1, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज़्यादा क्लीन है। रीज़न नंबर 2 कि ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, चाहे आपका ऑयली स्किन हो चाहे आपका ड्राई स्किन हो, ये सबके लिए सूटेबल है। एंड यस, अगर आपका ड्राई स्किन है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बट यस, मैंने एक चीज़ और मेंशन की हुई है इसके वीडियो में कि इसका थोड़ा थिक फॉर्मूला है, तो अगर आपको डेंस क्रीम थिक क्रीम्स पसंद नहीं आती हैं तो आपको फॉर्मूला थोड़ा अजीब लगेगा, बट इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। हाँ, थोड़ा हैवी लगता है फेस पर अगर आपको ऑयली स्किन है, बट आप थोड़ा सा अमाउंट कम लेंगे चला जाएगा, या फिर विंटर्स आने वाली है तो विंटर्स में ये काफ़ी अच्छा काम करती है। और मैंने जैसे बोला था कि विंटर्स में ये क्रीम मैं ज़रूर पसंद करूँगी लगाना, बिकॉज काफ़ी डेंस होता है और अमृतसर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और ड्राई स्किन तो मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है स्किन की, तो यस, उस सिचुएशन में ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। बाकी ओवरऑल फॉर्मूला बहुत अच्छा है, अगर आपका हाइपर सेंसिटिव स्किन है या आपको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा जो है फेवरेबल है स्किन के। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा मेरा बायोडर्मा एट्रोडर्म क्रीम, और ये सैम्पल साइज प्रोडक्ट है इसीलिए मुझे ये रीपर्चेज करना है। बट यस, अगर आपका ड्राई स्किन है आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए ही फॉर्मूला बना है, ड्राई टू सुपर ड्राई स्किन के लिए, और ये बहुत ही सही से मॉइस्चराइजेशन देता है। एंड सिर्फ मॉइस्चराइजेशन ही नहीं देता है, जबकि आपकी स्किन को ये बहुत अच्छा ग्लो देता है, रिजुविनेशन जैसी चीज़ होती है ना वो देता है। तो यस, अगर आपका ड्राई स्किन है एंड आपको फील होता है कि आपका ग्लो जो है वो पूरी तरह डेड हो चुका है, आप ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं इसका लाइक फुल साइज प्रोडक्ट ट्राई करना चाहती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा बायोडर्मा का एक्वा फ्लूइड SPF, और दिस इज 50+ मैक्स फोटोडर्म SPF। और ये प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए है एंड इसका सनस्क्रीन मुझे वैसे ही बहुत पसंद आया था, मैंने क्रीम फॉर्मूला भी ट्राई किया, एक्वा फ्लूइड भी ट्राई किया, एंड दैट्स व्हाई मैं इसे दोबारा रीपरचेज करना चाहती हूँ, बिकॉज इसका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा और कुछ ज़्यादा फेस पर वाइट कास्ट भी नहीं इसने छोड़ा था, तो दैट्स व्हाई मैं इसे रीपरचेज करना चाहती हूँ। बिकॉज जब भी मैं फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तो मेरा फर्स्ट ध्यान यही होता है कि वो वाइट कास्ट ज़्यादा ना छोड़े, तो ये वाला सूटेबल था और दैट्स व्हाई मुझे ये दोबारा रीपरचेज करना। नेक्स्ट है नायका नेचुरल्स का अनियन एंड फेनोग्रिक हेयर कंडीशनर। तो यस, इस प्रोडक्ट का मैंने रिसेंटली ही KYP भी किया है, रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, तो इंग्रेडिएंट ज़रूर जान लें अगर आप इसे ट्राई करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा काम किया मेरे बालों के लिए, मुझे किसी तरह का कोई फ्रिज वगैरह फील नहीं हुआ, बहुत लाइट था, इजीली वॉशरेबल था, तो ज़्यादा कोई मुझे परेशानी नहीं आई इस प्रोडक्ट के साथ। एंड यस, फॉर्मूला जो है ऑलमोस्ट सेफ है, एज आई सेड 2-3 इंग्रेडिएंट्स अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और वैसे भी ये कंडीशनर है बालों की लेंथ पर रहने वाला है तो इतना ज़्यादा मुझे बॉदर नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई मैं ये प्रोडक्ट ज़रूर रीपरचेज करना चाहूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा मदर स्पर्श का हेयर लेप, एंड दिस इज देयर द शमूल हेयर लेप। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा काम किया था और दिस वॉज लाइक फर्स्ट टाइम जो मैंने पाउडर्ड बेस्ड हेयर पैक्स यूज़ किए थे, बहुत ही अच्छे से मतलब अप्लाई हो जाता है
और कोई मिक्सिंग वगैरह में भी परेशानी नहीं होती है, इजीली मिक्स हो जाता है। प्लस ये बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करता है, एंड ऐसा भी नहीं है कि वॉश करते टाइम ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बड़े ही आराम से आपके बालों से निकल जाता है एंड पता भी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन होता है। एंड यस, ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया। यस, जितना मेरे बालों का लेंथ है, जितना वॉल्यूम है मेरे बालों का, उतने में तो ये 3-4 बार में ही ख़त्म हो जाता है। तो यस, आई वुड लाइक टू रीपर्चेज इट अगर मुझे पाउडर्ड बेस हेयर मास्क यूज़ करना होगा तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा मेरा न्यूट्रल लाइफ का ग्रीन सुपर फूड। दीज आर बेसिकली सप्लीमेंट, ग्रीन फूड सप्लीमेंट, जिनको स्पिरुलिना सप्लीमेंट लेना है उसके लिए है ये। एंड यस, प्रोडक्ट वॉज रियली गुड, ये काफ़ी अच्छा काम किया मेरे लिए। स्पेसिफिकली अगर आपको आई साइड वीक होने की वजह से सिर में दर्द वगैरह रहता है तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ माइंड इट कि ये सप्लीमेंट है, कोई क्योर नहीं है, ये सप्लीमेंट है। और यस, इट इज़ क्वाइट रिच इन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, तो ये काफ़ी अच्छा है आइज़ के लिए एंड काफ़ी अच्छा काम किया था मेरे लिए, दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू रीपर्चेज इट। नेक्स्ट है हेल्थविट का एप्पल साइडर विनेगर, एंड यस ये एम्प्टी बॉटल है क्योंकि मैं पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ और मैं ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। एंड यस, अभी मैं गैप पे हूँ तो अभी मैं नेक्स्ट 15 दिन के लिए और ये कंज्यूम नहीं करूँगी, उसके बाद आई विल रीस्टार्ट। और यस, ये प्रोडक्ट पे काफ़ी लंबे वक्त से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इन केस अगर आप भी एप्पल साइडर विनेगर जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी रूटीन में, तो यस अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। एंड यस, जिनको गट इश्यूज़ हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, एंड जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो ओवरऑल मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, तो मैं तो इसे रीपर्चेज ऑलरेडी करती रहती हूँ और मैं डेफिनेटली आगे भी करूँगी। गाइस, ये थे वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं ज़रूर रीपर्चेज करना चाहूँगी और जिन चीज़ों ने मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम किया और मैं इनके रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। इन केस अगर इनमें से मेंशन कोई प्रोडक्ट आपके लिए भी काम किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है या सजेशन है मेरे लिए तो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, जाए कमेंट करें और मुझसे शेयर ज़रूर करें। यस, वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यस, आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।